अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम डेल्फा कैटल शो के अंदर मौजूद हैं और अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ हैं ज़रार कैटल के स्टॉल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद, आपने हमें टाइम किया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक का? जी सर, अभी तक का एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है। बहुत आवाम की तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर रहा है डेल्फा में। तो आप आमतौर पर जो लोग हैं वो विजिटर हैं, जो वो खरीदने आते हैं या सिर्फ शौक के लिए देखने आते हैं? सर विजिटर भी आते हैं इसके अंदर, शौक के लिए भी आते हैं और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। तकरीबन हर कैटेगरी का कस्टमर हमारे पास आता है, विजिटर भी आता है और शौकीन भी आते हैं जो देखने के लिए, जो शौक करते हैं हमारे। तो आपके फार्म के ऊपर किस किस तरह कौन कौन सी किस्म के जानवर हैं, कौन कौन सी उसकी किस्में हैं? सर हमारे फार्म पे तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर नेचुरली ब्रीड पाई जाती है वो तकरीबन तमाम अवेलेबल हैं। चोलस्तानी हो गया और मेल क्रॉस का बच्चा हो गया जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रॉस बच्चा हो गया, और इसके अलावा फिर गुलाबी हो गया, तो ये सारी ब्रीड हमारे पास पाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ब्रीड सेटअप है। सबसे महंगा जानवर कितने का है, सबसे सस्ता जानवर कितने का? सर सबसे महंगा जानवर हमारे पास स्टॉल पे अभी तक हमारे पास सिर्फ 40 लाख का बछड़ा है और सबसे सस्ता 8.5 लाख रुपए का। इस वक्त ये जो आज अगर ये लोग विजिट कर रहे हैं तो क्या ईद के लिए अभी से बुकिंग हो जाती है या ये सिर्फ आपने अपने कैटल फार्म की मशहूरी के लिए लगाया? नहीं नहीं सर, ईद के लिए भी आपकी बुकिंग हो जाएगी और कैटल फार्म की मशहूरी के लिए हमने लगाया हुआ है ये सेटअप, तो बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। भलाई के साथ जो बनेगा ईद तक का वो चार्ज करके बताएंगे हम आपको। और खिलाने में क्या रखते हैं आप लोग अपने जानवर को, क्या क्या खिला रहे हैं? सर वही खिलाते हैं जो तमाम फार्मर खिलाते हैं अपने जानवरों को, इसके अंदर चना टी हो गई है, चूरा हो गया, वो गंदम की भूसी हो गई और उसके अलावा छिलका होगा जो मेरे सामने पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये चार आइटम देते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती कि इंजेक्शन वगैरह है ये वो, ये लोगों का जहनी बतूर होता है कि इंजेक्शन वगैरह, अगर किसी लोगों को ये पता है कि इंजेक्शन वगैरह होते हैं तो हमें भी बताइएगा, तो हम भी अपने माँ पर ट्राई करके देखें क्या होता है। अच्छा ये जानवर माशाल्लाह बहुत बड़े होते हैं लेकिन क्या फुर्तीले भी उतने ही होते हैं या ये चर्बी ज़्यादा चढ़ जाती है? नहीं सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े से लेके छोटे तक जानवर जो होते हैं ना वो तमाम फुर्तीले ही होते हैं। हम नेचुरली ब्रीड कराते हैं, वनडे पर पालते हैं, देसी वनडे पर पालते हैं, तो हमारे यहाँ कोई इंजेक्शन वगैरह का सेटअप वगैरह नहीं होता, बूस्टर वगैरह का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर छोटे से लेके बड़े तक का फुर्तीला ही होगा। थैंक यू वेरी मच।